Assalamualaikum, मैं जुलेखा अरफात जुलेखा किचन से। आप लोग सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ रमजान स्पेशल जिसका नाम है आलू चीज बॉल्स। बहुत ही मजेदार बनते हैं, झटपट बनते हैं और बच्चों को तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। मेरे बेटे को तो बड़े मजेदार लगते हैं। आप चाहे सॉस के साथ सर्व करें, आप चाहे हरी चटनी के साथ सर्व करें। हरी चटनी का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है आप लोगों के लिए। तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी क्विकली, झटपट, साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रीडियंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की। चलिए, एक प्याले में एक अंडा डालिए, नमक, काली मिर्च डालकर इसमें एक टेबल स्पून जितना दूध डालकर फेंट कर साइड पर रख दीजिए। बॉईल करे हुए ये तकरीबन 350 ग्राम आलू हैं, छील निकाल लीजिए और इस तरीके से मैश कर लीजिए। मीडियम साइज के चार आलू हैं बॉईल करे हुए। अब इसमें डाल दीजिए आधा छोटा चाय का चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन और आलू में नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। 1/4 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। आधा छोटा चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स, मैं थोड़ा और ज़्यादा डाल रही हूँ, समझिए ना 3/4 छोटा चाय का चम्मच तक। और आधा छोटा चाय का चम्मच ऑरेगानो और आधा छोटा चाय का चम्मच मिक्स्ड हर्ब। अगर आपके पास दोनों हैं तो मैं जैसे दोनों डाल रही हूँ आप दोनों आधा आधा डालें। आपके पास एक है तो कोई भी एक छोटा चाय का चम्मच डालें, और दोनों भी नहीं है आपके पास तो एक छोटा चाय का चम्मच दरदरा और मोटा मोटा कूटा हुआ हमारा जो धनिया होता है उसे पहले भून लीजिएगा और वो डाल दीजिएगा। एक छोटी बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च डाल दीजिए, एक छोटा बारीक कटा हुआ गाजर डाल दीजिए, एक छोटा बारीक कटा हुआ प्याज डाल दीजिए। अच्छा, मैंने प्याज को निचोड़ लिया है क्योंकि निचोड़ेंगे नहीं तो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ेगा और आलू को सौगी कर देगा। बारीक कटा हुआ कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए, आप चाहे तो हरी मिर्चियाँ भी डाल सकते हैं। बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए अब सारी चीज़ों को। चलिए, अच्छे से मिक्स हो चुका है। हल्का सा मैं तेल से हाथों को ग्रीस कर लेती हूँ और पहले तो 12 पोर्शंस कर लेती हूँ क्योंकि मैं मीडियम साइज़ के बना रही हूँ। आप बड़े या छोटे अपने हिसाब से बना सकते हैं। जब पोर्शंस बन जाए हल्का सा फिर से तेल लीजिए और हाथों को ग्रीस कीजिए और एक पोर्शन ले लीजिए और इसे चपटा कीजिए इस तरीके से। इसके बीच में ऐसे पीस कर रहे हुए मैंने साइड पर रखे हैं, आप देख सकते हैं चीज़, उनको अच्छे से रोल कर बंद कर दीजिए। इस तरीके से बॉल बना लीजिए और हो गया आपका, एक बॉल बन गया। इसी तरीके से सारे अंदर चीज़ डाल के इनको उबार कर साइड पर रखते जाएं। चलिए, ये मैंने सारे बना लिए हैं, तकरीबन 12 बॉल्स बन चुके हैं। अब यहाँ पर आपने देखा ये अंडा भी है और ब्रेड क्रम्स भी है, तो अंडे में बहुत अच्छे से ओवरऑल लोटिए और ब्रेड क्रम्स में अच्छे से इवनली कोट कीजिए और ये हो गया हमारा एक बॉल आलू चीज़ बॉल। इसे साइड पर रख दीजिए। अब इसी तरीके से सारे आप बना लीजिए। आप चाहें तो इन्हें स्टोर करके फ्रीज करके भी रख सकते हैं। जब आप सारे ये जो ब्रेड क्रम्स लगा लें उसके बाद सारों को फ्रिज के अंदर नीचे एक घंटे के लिए रहने दें। जब एक घंटा हो जाता है इन्हें एयरटाइट कंटेनर के अंदर डाल दें या जिप लॉक बैग में डालकर ऊपर फ्रीजर में रख दें। जब भी चाहें थॉ करें, निकालें, आधे घंटे के बाद उसे फ्राई करें। एक हफ्ते तक रख के खा सकते हैं। बस आप प्याज मत डालिएगा, या फिर आपने सुबह में बनाए कोई बात नहीं, शाम तक फ्राई कर सकते हैं, फ्रिज में रख दीजिएगा बस। चलिए, अब फ्राइंग कर लेते हैं। अच्छा तेल गरम हो जाए उसे मीडियम आंच कर दीजिए और जब मीडियम आंच कर ले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर सबसे पहले तो मैं एक डालकर देखती हूँ, उसे बार बार चलाते रहती हूँ और उलट पलट करते जाएं और इसे फ्राई कर ले। जब मीडियम आंच पर लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी जो चीज़ बाहर ऊज आउट नहीं हुआ है, बहुत ही बेहतरीन बना है और अच्छा क्रिस्पी भी बनते हैं। हाँ, तो चलिए ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाता है, इन्हें मैं निकाल कर टिश्यू पेपर के ऊपर साइड पर रख देती हूँ। इसी तरीके से सारे बैचेस के अंदर फ्राई कर ले मीडियम आँच पर। ये देखिए, इसका मैं क्रिस्पीनेस दिखा देती हूँ आपको, बढ़िया सा है ना, एकदम बढ़िया सा क्रिस्पी मज़ेदार सा। चलिए, मैंने सारे बना लिए हैं। आप चाहें तो टमाटर सॉस के साथ सर्व करें या फिर हरी चटनी के साथ सर्व करें। वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है हरी चटनी का। अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ, मैं आपको एक तोड़कर भी दिखा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ओ माशाल्लाह, बढ़िया सा मज़ेदार सा, एकदम खाने में भी एकदम स्वादिष्ट है, ज़रूर उंगलियाँ चाटते रह जाओगे। तो अगर आप मेरी ये रेसिपी बनाएं कमेंट सेक्शन में मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलिए ये वाले वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो के लिंक्स ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में फॉरवर्ड करें इनके लिंक्स। और हाँ, अच्छा, रमजान की मैंने खूब सारी रेसिपीज मेरे चैनल पर अपलोड की है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, प्लेलिस्ट का भी, तो आप वहां चेक कर लीजिएगा। बनाए खाएं, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।